हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है हमारे कमेंट बॉक्स में कि जो जॉन्डिस होता है उसके लिए कौन सा प्लांट यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पे। तो अगर जॉन्डिस के प्लांट के तौर पर देखें कि जॉन्डिस को रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन सा प्लांट यूज़ किया जाता है, तो आयुर्वेद में एक प्लांट है जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसको गुर्ज कहते हैं, जिसका कि कॉमन नेम गुर्ज है, उसको गिलोय भी कहा जाता है। तो आयुर्वेद में उसके पाउडर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और अगर आप आम तौर से उसको, ये होता है कि जो वो प्लांट है ये, इसको आप देखेंगे तो ये डिफरेंट प्लांट पे चढ़ा हुआ आपको दिख जाएगा, डिफरेंट प्लांट से लिपटा हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन जब ये नीम के प्लांट पर लिपटा हुआ होता है, नीम के प्लांट पर चढ़ा हुआ होता है, तो उसको आयुर्वेद में इफेक्टिव माना जाता है जॉन्डिस के लिए। तो आयुर्वेद में तो इसके पाउडर के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये सीधे कहीं नीम के प्लांट पर लिपटा हुआ मिल जाता है तो आप उसके स्टेम को छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं, फिर उसको कूच करके फिर उसको आप वाटर में उबाल लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं पानी में, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पानी बचता है तो उसको आप चाय की तरह पी लेते हैं, तो इससे बहुत जल्दी जॉन्डिस रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये प्लांट, इसकी लीफ जो होती हैं वो पान के पत्ते की तरह होती हैं, ग्रीन लीफ होती हैं बिल्कुल, और पान के पत्ते की तरह होती हैं, लेकिन इसका स्टेम, इसकी जो वेन है, इसका स्टेम है, वही कूच करके फिर उसको वाटर में बॉयल करके फिर पिया जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन सा प्लांट है, तो ये प्लांट है गुर्ज, जिसको गिलोय भी कहते हैं। और इसके अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम। वैसे मेडिसिन कोई भी हो तो उसको जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय से मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन आपने पूछा कि कौन सा प्लांट है, तो ये प्लांट यही है, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।